नमस्कार दोस्तों, मैं रवि जांगीर टैगर एंटरप्राइज ऑप्शन मशीन। आज हमारे यहाँ पर हमारे फॉर्म काउंटर सांगो से आए हैं शादाब जी। इनकी शॉप का नाम गैलेक्सी मोबाइल शॉप है और हमारी बात इनसे हो रही थी, पिछले 2-3 दिन से बात चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि टेस्टिंग करके चेक करके फिर मशीन को लेंगे। तो एक दो फोल्डर इन्होंने बना लिया है साथ में, अब एक फोल्डर और बना लेते हैं। ये देखिए, हमने ये डिस्प्ले ओपन करके साफ करके निकाल लिए, लेकिन साफ करते समय पे इसकी यहाँ से हल्की सी फिल्म ऊपर उठी हुई है। देखिए आप, अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे में, ये देखिए। अब हम इस पर कोशी वाला ग्लास अप्लाई करेंगे, कोशी वाला ग्लास अप्लाई करके और पंच करेंगे। रिजल्ट के बारे में ये खुद बताएंगे कैसा रिजल्ट रहा। फिलहाल हम वीडियो पे डिस्प्ले पंच करके देखते हैं। ये F5S का ग्लास है, उसी वाला ग्लास। सबसे पहले जो ओशिए की एक्स्ट्रा लेयर होती है उसको निकालेंगे हम और इस प्रकार से कर लेंगे। इसके बाद में इसको चारों तरफ से मिला के और केवल रख देंगे। दबाना कहीं से नहीं होता है, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं से इस पर चिपक जाएगी। देखिए चिपक गई है। इसके बाद में रखने का जो तरीका है इसका, इस प्रकार से हम रखेंगे। लेंस को हल्का सा अंदर करेंगे और डिस्प्ले सेंटर में करके इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा पंचिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले बंद मशीन में, मशीन बंद है, पंचिंग बटन ऑफ कर देंगे। बंद मशीन के अंदर पंचिंग बटन ऑफ करना है, एयर बैग बटन ऑन करेंगे, एयर रिलीज बटन ऑन करेंगे। इसके बाद मशीन का मेन पावर बटन जो है स्टार्ट करने का, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद वैक्यूम मीटर स्टार्ट करने के लिए पंचिंग बॉक्स के डोर को दोनों साइड से पुश करेंगे और पुश करने के बाद वैक्यूम मीटर स्टार्ट हो जाएगा। इसके चैम्बर में अच्छी तरीके से वैक्यूम क्रिएट होने देना है, जहाँ पर ये आपके मीटर की जो नीडल है ये स्टेबल हो जाए वहाँ। उसके बाद 10 सेकंड वेट करना है। तो अभी ये हमारा वैक्यूम मीटर स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है, देखिए रनिंग पे है। दोस्तों, यदि आपने मशीन आपके पास है और आप थोड़ा कंफ्यूज में हो कि पंच कब करना है, तो ये ध्यान रखिए कि जब आपका वैक्यूम का मीटर स्टेबल हो जाए, रुक जाए, उसके बाद आपको 10 सेकंड का मिनिमम वेट करना है। ये हमारा पंचिंग का जो मीटर है, वैक्यूम मीटर, ये स्टेबल हो गया है। यहाँ से हम 10 सेकंड वेट करेंगे। पंचिंग करने के लिए एयर बैग बटन को ऑफ करेंगे और पंचिंग बटन को मार्क तक ऑन करेंगे। जैसे ही हमारा डिस्प्ले पंच होता है, हम एयर बैग बटन को वापस ऑन कर देंगे। 1 सेकंड में डिस्प्ले पंच हो जाएगा। अब देखिए 10 सेकंड हो चुके हैं अपने, तो पंच करने के लिए आप देखिए, एयर बैग बटन हमने ऑफ किया, पंचिंग बटन को मार्क तक ऑन किया और उसके बाद में एयर बैग बटन को वापस ऑन कर देंगे। ये 1 सेकंड में हमारा डिस्प्ले पंच हो जाएगा। इसके बाद पंचिंग बटन को मार्क तक ऑन कर देंगे। आप ये पंचिंग क्वालिटी देखिए, कैसा पंचिंग क्वालिटी हुआ है 1 सेकंड के अंदर हमारा डिस्प्ले का। ये देखिए आप, ये पंच हुआ है, ये हल्का सा आउट गया है फ्रेम, हमसे फ्रेम नहीं था इस कारण से। यदि आपको ये लाइन दिख रही हो यहाँ पर, तो ये डिस्प्ले हल्का आउट है, जब हमने सेट किया था तो आउट हुआ था ये। इसके बाद में पंच किए हुए डिस्प्ले को पॉलिथीन में डाल लेंगे हम। ये देखिए कि ये बचा हुआ है, बाकी सब पंच हो चुका है। इसी डिस्प्ले में डालकर अंदर डालेंगे। अंदर डालने के बाद में बबल रिमूवर का यूज करने के लिए आपको दोनों बटन ऑन रहेंगे और एयर रिलीज बटन ऑफ करना है। उसके बाद आप देखिए, ये हमने दरवाजे को हमारे तक कुछ पुल किया और उसके बाद छोड़ देंगे, मीटर स्टार्ट हो जाएगा।
इस मशीन के अंदर आपको जरा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मशीन यदि आप ऑन करके बबल रिमोट में प्रेशर बना के भूल जाते हो तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास कोई कस्टमर आ गया, आपने मशीन चालू कर रखा है बबल रिमोट के लिए, तो आप इसको छोड़ सकते हो, समय ये ऑटोमेटिक अपना प्रेशर लेगी और ऑफ हो जाएगी। ये देखिए हमारा प्रेशर 40 क्रॉस कर रहा है। पोलिथीन में डालने का जो कारण होता है बबल रिमूवर के अंदर, वो उसका जो पट्टा होता है, डिस्प्ले की जो बेल्ट होती है, वो दरवाजे में नहीं आए आपकी, इस वजह से आपको बबल रिमूवर के अंदर पोलिथीन में डाल रहा हूँ। मशीन को यूज़ करना आपने देखा, भी मशीन का प्रोसेसिंग देखा तो कितना हार्ड है। आज लगा आपको ये मशीन प्रोसेसिंग में, इसको चलाना बहुत ईजी है। दो बटन मात्र आपके पंचिंग के हैं और एक बटन जो है ये बबल रिमोट का है। ये आपका जब यूज होगा बबल रिमोट का वर्क करोगे। ये हमारा प्रेशर देखिए 80 से क्रॉस कर चुका है। 6 kg का प्रेशर लेगा ये आपका, उसके बाद टिक की आवाज़ करके ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये हमारी मशीन हल्की सी वाइब्रेट हुई, वाइब्रेट होकर टिक की आवाज़ करके बंद हो गई। ये देखिए जो नीडल है ये स्टेबल हो गई है, रुक गई है। जैसे ही हमारी मशीन ऑटोमेटिक ऑफ होती है हम पावर बटन से इसको ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे 5 मिनट के बाद, 5 मिनट वेट करेंगे बबल रिमूवर में रिजल्ट कैसा रहा। दोस्तों हमने जो इसके बबल रिमूवर के अंदर डिस्प्ले रखा हुआ था, एक आई सेट का पंच किया था, उसके बाद बबल रिमूवर में रखा, इसका रिजल्ट देखेंगे कैसा रिजल्ट रहा है। दो बबल रिमूवर में से प्रेशर रिलीज करने के लिए एयर रिलीज बटन दिया गया है जो ऑफ कर रखा है हमने। इसको मार्क तक ऑन करेंगे, मार्क तक ऑन करने के बाद प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज होने के बाद हम देखेंगे रिजल्ट कैसा है। हल्का सा आउट लगा था हमसे, ये प्रेशर रिलीज हो रहा है। मार्केट में आने वाली चाइनीज मशीन जो आती है उससे भी आधी कीमत की मशीन है, और मेड इन इंडिया मशीन है, फुल ट्रस्टेबल मशीन है। ये देखिए प्रेशर 0 पे आ गया, हमने बटन ऑन कर दिया, दरवाज़ा लूज हो गया, हमने ओपन किया। अब हम डिस्प्ले को निकालेंगे, डिस्प्ले निकालने के बाद रिजल्ट देखिए आप, ये आपके सामने डिस्प्ले का रिजल्ट रहेगा। हल्का सा इसको साफ करेंगे कपड़े से, रिजल्ट देखिए आप, डॉट फ्री डिस्प्ले है, बिल्कुल है कहीं डॉट इसके अंदर। ये हमारे साथ सांगों के हमारे पास ही हैं, लगभग 100 किलोमीटर एरिया के अंदर। रिजल्ट देखिए आप, हंड्रेड % मेकिंग डिस्प्ले है, डॉट फ्री डिस्प्ले है इसके अंदर, और ये मेड इन इंडिया मशीन है। चाइना तो आपने बहुत ही यूज किया है, तो अब आप मेड इंडिया भी यूज करके देखिए। 1 साल की वारंटी है इस मशीन की, और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। डिस्प्ले पे मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के लिए। धन्यवाद।